एक दिन मैंने अपनी पकाऊ कंसल्टिंग जॉब छोड़ दी एंड आई रिटायर्ड एट द एज ऑफ 31। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, आई डिडंट हैव एनी सेविंग्स। ऑटो ऑटो एंड दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ अपर्णा अबाउट माय सडन डिसीजन। व्हाट, रिटायर्ड? मनी तो मजाक कर रहा है ना, क्या नोटिस पीरियड भी नहीं सर्व कर रहा, पागल है क्या, है कहां पे तू? भैया जरा गाड़ी एक मिनट साइड में रोकना। ऑल ओके आप ही? या समर, आई विल मीट यू इन ऑफिस। ठीक है, मनी मनी। ओ हाय हैप्पी, पता है मैं आजकल ना एक जेन मास्टर को यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ। शट अप यार मनी, हाउ कुड यू टेक सच अ डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी? यार हैप्पी, ये कॉर्पोरेट लाइफ मेरे लिए नहीं है यार, आई जस्ट बिकम अनदर ब्रेक इन द वॉल देयर। अरे यार एक बार मुझसे डिस्कस तो कर लेता, यू कुड हैव टेकन अप अ न्यू जॉब। यार भटक भटक के परेशान हो गया हूँ यार, हैप्पी द टाइम हैज कम नाउ। फॉर व्हाट? धंधा करने का यार, यही मेरा कर्म है और यही मेरी डेस्टिनी है। मनी घर सफेदी कराने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, अपने कर्म से पहले उसका बजट तो निकाल ले तू। लिसन, आई नो दैट यू डोंट लाइक कंसल्टिंग, बट वी हैव टू बी लॉजिकल ना, तेरे पास कुछ करने का प्लान तो होना चाहिए ना मनी। अरे पर धंधा करना है ना। दैट्स नॉट कॉल्ड अ प्लान मनी, दैट्स अ फैंटेसी। अच्छा मनी लिसन, मुझे ऑफिस जाना है, आई एम रियली शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज आज रात तक तो कोई कॉन्क्रीट प्लान रेडी रखना। अरे यार हैप्पी प्लीज, रात तक प्लान रेडी रखना, एज यू लुकिंग फॉर अ जॉब फ्रॉम टुमारो, बाय। हैप्पी सीरियस थी, सो शी वॉज नॉट रेडी टू सपोर्ट मी विदाउट अ प्लान। मतलब उसने मुझे उसी रात की एक हार्ड डेडलाइन दे दी थी, एक तरह से एक अल्टीमेटम दैट ईदर आई कम आउट विद अ प्रॉपर वर्केबल प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया दैट नाइट और आई स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग। पर एक तरह से अपर्णा का ये रिएक्शन एकदम अनएक्सपेक्टेड था। हाँ ये सच है कि हम पे चेक टू पे चेक जी रहे थे, साउथ दिल्ली में घर का रेंट, सब्जी फल एक्सेट्रा का खर्चा, नेटफ्लिक्स अमेजोन की सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट बिजली पानी कम्यूट एक्सेट्रा, ये सब खर्चे निकाल के हमारे पास कुछ खास बचता नहीं था। पर फिर भी हैप्पी का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो खुद मेरे रिटायर होने से पहले ऐसी बातें करती थी। मनी यार आई एम सिक ऑफ माई जॉब, बस जॉम्बीज की तरह अनग्रेटफुल क्लाइंट्स के रिटर्न्स फाइल करते रहो मंथ एंड क्वार्टर एंड ईयर एंड। लाइफ इज मच मोर देन दी स्टूपिड जार्गन्स यार। वैसे भी हमने 9 to 5 नहीं रहे, 9 to 9 हो गया, ओवर टाइम के भी तो पैसे नहीं मिलते हैं, वी आर जस्ट ग्लोरिफाइड लेबर। अनएक्सपेक्टेड, वॉट रबिश। मनी के बार बार स्विच करने की वजह से ना उसको कभी भी इंक्रीमेंट नहीं मिलता था एंड वी वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विद आवर फाइनेंसेस। मेरी अपनी विशेस तो कब की मर चुकी थी। एनीवे तो मैं कहाँ था, सोचा तो मैंने ये था कि नौकरी छोड़ के आराम से अपने बिजनेस आइडिया के बारे में सोचूंगा, ढंग से प्लान श्लान बनाऊंगा। पर उसी एक दिन में पूरा रिफ्लेक्ट करके इंट्रोस्पेक्शन करके एक प्लान बनाना वो सो डिफिकल्ट। मैंने सोचा थोड़ा घूमता फिरता हूँ पूरे दिन, क्योंकि घर खाली बैठता तो वैसे ही दिमाग खराब होता। और आइंस्टाइन भी तो कहता था कि जब वो फ्रेश एयर में सैर सपाटा करता था बढ़िया, तो उसको सही क्रिएटिव आइडियाज आते थे। किस चीज का धंधा करना चाहता था मैं? बहुत चीजों की हाइप चल रही थी उस टाइम, फिनटेक एडटेक क्रिप्टो फलाना ढिमकाना, पर मुझे कुछ ऐसा करना था दैट वाज क्लोज टू माय हार्ट। और वहीं से चाय पीते पीते उस टाइम मुझे एक क्रैकिंग आइडिया आया और मैंने अपने फ्रेंड रघु को फोन लगाया। रघु किसी एडटेक स्टार्टअप में एक सेल्समैन था। हेलो सर। हेलो मैम। सर आपके बच्चे के लिए लाया आईटी रैंक बूस्टर फ्रॉम गाइडू सर। सर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है, यकीन मानिए अगर आप इसे नहीं लेंगे तो आईटी तो क्या सर, केटी भी नहीं होगा। केटी सर, केटी खुल्लर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पानीपत। यस सर, myself an alumni 2015 batch। So ऐसे ही वो अपने rank booster package बेचता बेचता रघु मेरे घर आ गया। आप चाय बेचोगे? हाँ तो मतलब आप अपनी consulting job से retire होके चाय बेचोगे? कुछ पैसा तू डाल, कुछ पैसा हम नानी की एफडी से निकाल के डालते हैं, बढ़िया नेहरू प्लेस में चाय का ठेला खोलते हैं, धंधा करते हैं, अमीर होते हैं। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। क्या? यही ना कि साथ में क्रीम रोल बेचेंगे या नहीं? Obviously यार साथ में क्रीम रोल और बन मस्का दोनों बेचेंगे। Yeah, because tea is India's lifeline. What? अरे यार पाजी, कभी कभी आपसे बात करके ऐसा लगता है कि मैं अपने 18 साल वाले रघु से बात कर रहा हूँ। अबे ओ बुढ़ा, तू अभी भी 24 का ही है। 18 की उम्र में मैं जो कैंपस के लिए बस पकड़ता था ना, उसमें मैं और मेरा फुकरा दोस्त
कैंपस में मोमोज बेचने के सपने देखते थे। मोमोज नॉट अ बैड आइडिया है पाजी। देखो यार, मोमोज और चाय बेच के लोग अमीर हो रहे होते ना, तो पेरेंट्स 50,000-50,000 के आईआईटी रैंक बूस्टर पैकेज ना ले रहे होते मेरे से। यार कुछ यूनिक करो यार, कुछ बड़ा करो। अरे तू रहने दे, मैं चाय बेचने का बिजनेस प्लान बनाऊंगा, आज रात को एपी को प्रेजेंट करूंगा और उसे कन्विंस भी करूंगा। भाभी जी को ये बोलोगे कि चाय और क्रीम रोल बेचोगे? यार तू रघु मुझे डीमोटिवेट करके चला गया, पर मैं डिटरमिंड था, मुझे अपने आइडिया में बहुत कॉन्फिडेंस था। चाय ही बेचनी थी और उसका प्लान डॉक्यूमेंट करना मैंने शुरू कर दिया था। पर रात आते आते रघु की सारी नेगेटिविटी मेरे सर तक चढ़ गई थी। मैं हर चीज का टू एंड फ्रो एनालिसिस करने लग गया था और मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो मैंने सोचा कि वापस अपने जेन मास्टर दोस्त का स्पिरिचुअल ज्ञान सुनते हैं, और उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई। यू आर द यूनिवर्स, फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन बी योरसेल्फ। Find yourself. तो मेरे जेन मास्टर दोस्त का मतलब ये था कि पहले मेडिटेट करो, दिमाग शांत करो, अपने आप को ढूंढो और दुनिया तुम्हारी है। तो मतलब मेडिटेट करना वो सब प्लान जो मैं एपी को बता सकता था, क्योंकि सही स्पेस में आए बिना मैं अपना एम्पायर कैसे बना सकता था। हाँ रघु यार, कैसा है? अच्छा सुन यार, तू ना अपने दिन के लास्ट प्रोस्पेक्ट से मिलके सीधा मेरे घर आ जा। हाँ, वी विल फाइंड आवर सेल्व्स बड़ी। एम्पायर बनाएंगे, रेडी बना लें, वही बहुत है। एक तरफ मनी अपने प्लान पे काम करता रहा, और दूसरी तरफ आई वाज हैविंग द वर्स्ट डे एट वर्क। सर, क्लाइंट का एस्केलेशन वैलिड नहीं है, वी हैव नेवर मिस्ड द डेडलाइंस। फाइन, वी विल टेक केयर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ऑसम, आई गेट पनिश्ड फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट इवन माय फॉल्ट। 9,000 कम आएगा बोनस अब। वाओ, ग्रेट टाइमिंग। सच इज लाइफ हैप्पी। बट ये व्हाट अबाउट मानव मैन? व्हाट अबाउट हिम? अरे यही रिटायरिंग एट 31। यू रिटायर वंस यू हैव सफिशिएंट सेविंग्स। अरे वो तो उसे बस अपना धंधा बिजनेस करना है। यार हैप्पी, 10-10 बार जॉब चेंज करना और फिर 31 पे बिना एनी सेविंग्स के रिटायर कर जाना, दिस नॉट नॉर्मल बिहेवियर। या मैं न्यूरोसाइंस पढ़ता हूँ, मुझे लगता है मानव के ब्रेन के फियर सेंटर्स में कम एक्टिविटी होती है, दैट्स व्हाई ही इज सो रेकलेस। सैम प्लीज स्टॉप बीइंग सच अ जर्क। अरे यार हैप्पी, वी हैव टू बी ओपन अबाउट मेंटल इलनेसेस। भैया जरा रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाना। सैम ने दिमाग खराब कर दिया था, इतना स्ट्रेसफुल दिन था एंड ऊपर से और नेगेटिविटी। एनीवे, सो मैं घर पहुंची एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अ प्लान फ्रॉम मनी, but I was in for a nasty, nasty shock. अजी, क्या कर रहे हो? भाभी जी वो मनी ओ पापी जी, मैंने ना दोपहर को दही बल्ले खा लिए थे तो हजम नहीं हो रहे थे, तो पाजी कपाल भारती करके हजम करना सिखा रहे थे। मनी, सैम वाज राइट, तेरे ब्रेन के फियर सेंटर में ना एक्टिविटी बहुत कम है। फियर सेंटर्स हैं यार, सेटल होके बात करते हैं। पाजी बियर रखिए ब्रेन में। भाई हाँ, अल्ट्रा रखिए। ऑनेस्टली मुझे ये तो नहीं लग रहा था कि मनी एकदम से नई जॉब लेने के लिए तैयार हो जाएगा, बट मेरी वार्निंग को थोड़ा सीरियसली तो ले लेता। बट सर तो सर है, बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो गया था, मन तो कर रहा था कि घर छोड़ के भाग जाऊं, बट सोल्यूशन तो ढूंढना ही था ना। हरिओम। वो कपाल भारती का सर हो गया थोड़ा। यार देखो, बात सिंपल सी है ना, पाजी अभी रिटायर हो गए हैं और उनकी उम्र भी नहीं हुई है। ओ बुड्ढे, न्यू एज वर्बियाज में रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बच्चों की शादियां करवाने के बाद सांसारिक जीवन से संन्यास ले लो। हाँ जगह भी है, पैसे तो नहीं है ना आपके पास। अरे तो क्या हुआ यार, गरीबी इज अ प्रीकर्सर टू अमीरी। आज तक एक भी अमीर आदमी ऐसा देखा जो पहले गरीब ना रहो? स्ट्रगल तो करना पड़ता है पाजी। गरीबी कैन ऑल्सो लीड टू डेथ, तो ये ना हो अमीर होने से पहले टपक जाओ आप। यार क्या बकर कर रहे हैं आदमी अभी? यार सुन तो ले, क्या कह रहा है?
सुना यार पाजी, आप अपनी बुलशिट कंसल्टिंग जॉब से परेशान हो ना, तो क्या दिक्कत है? आप मेरी तरह सेल्समैन बन जाओ, टाई लगाकर रैंक बूस्टर पैकेज बेचेंगे, एक्सपोजर भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, गारंटेड है दोनों चीजें। एंड द बेस्ट पार्ट इज द जॉब ऑफ अ सेल्समैन कैन नेवर बी ऑटोमेटेड। अच्छा कितना कमा लेता है भाई तू? यार रघु, पैसों की ना इतनी भी भूख नहीं है कि पेरेंट्स का काट के उनको बेकार रैंक बूस्टर पैकेज बेचने लग जाए। गारंटीड इंप्रूवमेंट ऑफ 100 रैंक्स। ठीक है यार, तेरी कंपनी के ना सारे लोचे समझती हूँ मैं। देख रहे, गरीबी का डर एथिक्स भी बुला देता है। मैं तो कहता हूँ यार, तू छोड़ अपनी बेकार नौकरी और कॉमेडियन बनना है यार, कब तक घिसता रहेगा? यार कमाल के सस्ते सेल्फ हेल्प गुरु हो आप, पता है 1 लाख कॉमेडियन है मार्केट में। एक्सक्यूजेस यार, जोक्स का यूनिक होना कितना जरूरी है जानते हो आप? जब इंस्पिरेशन आएगी कर दूंगा कंटेंट डालना शुरू। मनी, वो ठीक कह रहा है, यू मस्ट थिंक थ्रू दीज थिंग्स प्रॉपरली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। मैंने तुझे यही तो कहा था कि एक प्लान बना और सोच के हम रेंट कैसे पे करेंगे, राशन कैसे खरीदेंगे, बट यू वर जस्ट मेडिटेटिंग एंड नाउ यू एक्सपेक्ट मी टू ट्रस्ट यू। वाओ, 70,000 रुपए। और मनी प्लीज डोंट बी ओवर ड्रामेटिक यार, ये 70,000 रुपए ही हमारा सबसे बड़ा प्रिजन है। हर महीने बस वो 70,000 रुपए का मैसेज देखने के लिए हम अपने सारे सपने को कुर्बान कर देते हैं। तुम कहते हो कुछ साल की बात है, सेव करेंगे, 45 पे रिटायर हो जाएंगे। मैं कहता हूं व्हाई नॉट नाउ। अरे कल सुबह तुम्हें मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? जीने का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करना, ना कि 70,000 रुपयों के लिए अपने सोल को बेच देना। यू मस्ट फाइंड योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। तो आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम अपना रेंट कैसे पे करेंगे, ये तुम बताओगी कि हम अपना रेंट कैसे पे करेंगे, क्योंकि ये 70,000 रुपयों के लिए हम अपना सोल और नहीं बेचेंगे। अबे हो, एसआरके की सस्ती कॉपी। मनी, आई डोंट बिलीव दिस, आई थॉट यू हैड समथिंग इन माइंड, पर तूने तो सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दिया। तेरे ब्रेन का फियर सेंटर ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी उड़ा। सॉरी पाजी, वो ना थोड़ी ज्यादा चढ़ गई थी, आप टेंशन मत लो, आपका रिज्यूमे मैं अपनी कंपनी में फॉरवर्ड कर दूंगा। रघु बंदा तो स्वीट है यार, और उसी स्वीटनेस में उसने मेरा सीवी अपनी कंपनी में फॉरवर्ड करने के लिए वॉलंटियर किया, तो मैंने सोचा कि यार सेल्समैन बनना ही ट्राई कर लेते हैं, शायद मेरे आइडियाज कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक थे। आपके लिए लेमन जिंजर चाय। दूध तो नहीं डाला ना? इतना भी लोला नहीं हूँ यार। अभी मैंने रघु को अपना सीवी फॉरवर्ड कर दिया है, सेल्समैन का काम नया है मेरे लिए, मुझे नौकरी मिल जाएगी वो वाली। पर क्या तुझे करना है? यार रेंट तो पे करना ही है ना यार, उसका देख लेंगे। पर क्या तुझे जॉब करनी है? अब क्या बताऊं यार, से यस और नो ना। नो। ठीक है, तो तुझे अपना बिजनेस करना है? यार अपना बिजनेस करना मेरा कर्म है, मेरी डेस्टिनी है। अरे यस और नो बताना। ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो तुझे मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। डील? हाँ डील। तू अपना नोटिस पीरियड सर्व करेगा। यार अभी नोटिस पीरियड नहीं है यार, ये कंपनी बहुत बेकार है यार, कुछ क्रिएटिविटी नाम की चीज नहीं है इसमें। देख, तुझे अपना नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, तू फुल एंड फाइनल कलेक्ट करेगा अपना, और फिर तू प्लान बनाएगा उन 2 महीनों में कि तुझे अपना बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस करना है ना? हाँ। बस। ओके डील। गुड। हैप्पी? हाँ। थैंक यू। मिडल रूट निकाला हैप्पी ने। मैंने सोचा 2 महीने ही है, काट ले। टेम्परेली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, 2 महीने थे हमारे पास भसड़ को रिजॉल्व करने के लिए। मन तो मेरा भी था कि मैं कुछ अपना करूं, सो आई कुडंट डिसमिस मनीज आइडिया स्ट्रेट अवे। देखते हैं आगे क्या होता है। टिल देन कपाल भारती करते रहिए, गैस निकालते रहिए, और हाँ 70,000 के लिए काम करते रहिए। Cook and cream. Some people want the dinner cooked and served. Hey guys.
सबसे पहले इससे पहले हम आपको कॉन्टेस्ट क्वेश्चन बताएं, मैं केशव राठौड़ और रोहित रोहिला जी से बात करना चाहूंगा. गाइज, आपकी टी शर्ट्स ड्यू हैं, वो हमें आपको भेजनी है, जो कि बेसिकली आपका कॉन्टेस्ट का प्राइज़ है. उसमें थोड़ा सा डिले इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अपना ब्रांड बना रहे हैं ताकि हम सही से आपको एक अच्छा सा लोगो छाप के दे सकें, तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है. हम लोग मिल के काम कर रहे हैं. एक बार वो बन जाएगा तो आपकी टी शर्ट जो है हम आपको एकदम से भेज देंगे. एंड वी हैव अ कॉन्टेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज, एंड द क्वेश्चन इज, जो मानव ने अपना डायलॉग लिया वो 70,000 रुपये वाला, वो कौन सी, आपको क्या लगता है कौन सी मूवी से इंस्पायर्ड है? गाइस, प्लीज राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वन. ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय.